नमस्कार, एमएचवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग फिल्मों में आते हैं, करियर बनाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्हें देखकर आपको लगेगा कि हाँ, जरूर अपनाना चाहिए। उनके शरीर की बनावट को देख के आपको लगेगा, साथ साथ एक बेहद खूबसूरत हसीना भी हमारे साथ मौजूद है जो फिल्म में उस गबरू जवान के साथ इश्क लड़ाती नजर आएंगी। फिल्म कौन सी है ये भी बताएंगे और फिल्म में क्या खास है ये भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है कबड्डी टीम की स्टार कास्ट वीरेंद्र जी और सुदीपा जी। सुदीपा जी, वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका मैच न्यूज़ में। शुरुआत वीरेंद्र से करते हैं क्योंकि वीरेंद्र इस वक्त हमारे कैमरे में भी पूरी तरह से भरपूर तरीके से आए हुए हैं। तो शुरुआत सुदीप से, वीरेंद्र से ही करते हैं, सुदीपा से भी बात करेंगे। वीरेंद्र, शुरुआत मतलब इतना भारी भरकम शरीर देख के आदमी डर जाए, तो इसे बनाने में इतनी मेहनत, कितनी मेहनत लगी सबसे पहले? बहुत ज्यादा मेहनत होती है जब आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और 130 केजी का एक बॉडी बिल्डर, वो भी प्योर वेजिटेरियन, अपने आप को बनाना और फिर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना, इट्स वेरी टफ। लेकिन मेहनत की बात है, अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने गोल के लिए, अपनी मेहनत के लिए, तो डेफिनेटली यू विल डू, कोई भी कर सकता है। वीरेंद्र, पहली फिल्म है आपकी, फिल्मों में आने के बारे में सोचा था जब एक्सरसाइज करते थे जिम में? आर्नोल्ड या सिल्वेस्टर की फोटो देख के एक्सरसाइज करना होता है, हर लड़के का एक होता है ड्रीम, जिम में जाना है और पूरी तरह से मेहनत करनी है। खासकर लड़कियां फंसानी है, इसलिए भी ज्यादा मेहनत करती है। ना तो कोई लड़कियां फंसाने के लिए बॉडी बनाई थी और ना ही कोई फिल्मों में आने का कुछ ऐसा था, लेकिन लकीली मौका मिला है। आपको मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स के लिए हिंदुस्तान के लिए खेल रहा हूँ 6-7 सालों से जी। प्रोफेशनल थ्रीट बना एशिया का पहला, और अब मुझे मौका मिला सिटरल स्क्रीन पे आने का, और वो भी जो मुझे मेरा एक्चुअल व्हाट आई एम डूइंग इन माय बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड, वही मुझे करना है सिल्वर स्क्रीन पे। और एक ऐसा मैसेज पंजाब के लिए, जो पंजाब के यंगस्टर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आइडल बनके, अगर आप उनको कहीं कन्विंस कर सकते हैं कि आप अच्छी बॉडी बनाइए, आप अच्छी कुछ ऐसी अच्छी स्पोर्ट्स को अपनाइए कि जिससे हमारा हिंदुस्तान ग्रो, हमारी स्पोर्ट्स ग्रो, और इसको हम एंटरटेनमेंट के जरिए से अगर लेके आ रहे हैं तो आई थिंक मुझे करने में अच्छा लगा। जब पहली बार चांस मिला कि आपको सिल्वर स्क्रीन पर आना है, पर्दे पर आना है, एक बिल्कुल 70 mm पर और छा जाना है, तो मन में ख्याल आया यार कहां मशीन पे मैं एक्सरसाइज करने वाला आदमी, एक्टिंग वैक्टिंग और खासकर सुदीपा जैसी लड़की के साथ, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रोमांस कैसे होगा, मतलब डर एक मन में? ये देखो लॉटरी निकलने वाली बात थी ना कि सुदीपा जी के साथ, लॉटरी बता रहे वीरेंद्र आपको सुदीपा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और रही एक्टिंग की बात, स्पोर्ट्समैन थोड़े से शाही होते हैं, आई थिंक मैं भी कहीं हूँगा, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं जब भी अपनी परफॉर्मेंस देता हूँ, जब भी प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, तो मैं कभी भी इस चीज़ से डरता नहीं हूँ कि वहाँ पे कंपटीटर कैसे रहेंगे, वहाँ पे क्या आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, बस आपको घुस जाना। एक कंपटीशन था और जिसमें आपको लगता है आपने अपना 100% नहीं, मैंने अपनी तरफ से 100% किया और इसका भी दर्शक देखेंगे, बताएंगे कि वीरेंद्र सिंह का दर्शकों को करना। सुदीपा, जब फिल्म का ऑफर मिला तो सुना आपने कि किस तरह का बॉडी बिल्डर है हीरो आपके सामने, तो मन में आया कि किस टाइप की फिल्म होगी? कबड्डी नाम से लगता है कि एक एंकर ड्रिवन फिल्म है और बिल्कुल एक हीरो के ऊपर केंद्रित फिल्म होगी, तो कुछ मन में आया था कि क्या करना? देखिए, मैंने जो इससे पहले फिल्म की है जिसका नाम था एक नूर, जिसके लिए मुझे क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला, तो वो थोड़ी सी सीरियस फिल्म थी, तो मैंने दिमाग में पहले से ही था कि मुझे अब जो फिल्म करनी है वो एक मसाला फिल्म होनी चाहिए, थोड़े गाने होने चाहिए एंड रोमांस होना चाहिए। तो जब मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ये बॉडी बिल्डर हीरो, मैंने कहा ठीक है। जब इनको मिली, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा ही बड़े हैं, ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर हैं, एंड मुझे लगा अच्छा ठीक है। बट व्हेन आई मेट हिम, ये जितने तगड़े दिखते हैं हट्टे कट्टे, उतने अंदर बड़े प्यारे, बेहद खूबसूरत और मासूम जी, है जी। वीरेंद्र, दिल के बारे में बात करें, बड़ा मासूम सा है, तो जो बाइसेप्स का साइज है वो दिल का साइज उससे बहुत बड़ा है, यानी कि आपका बाइसेप्स भले ही बड़े लग रहे हैं लेकिन दिल ज्यादा बड़ा है आपका। देखिए, ये तो आपके जो लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपको जानते हैं, वो बता सकते हैं दिल कैसा है, लेकिन मैं सभी स्पोर्ट्समैन की बात करता हूँ, बड़े पोलाइट रहते हैं, क्वाइट रहते हैं और अपनी गेम के से ही उनका प्यार होता है। और एक मैंने चैलेंज की तरह लिया इस करेक्टर को, जो इस फिल्म में मुझे किरदार करने को मिला, मेरे लिए एक चैलेंज था, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैंने एक चैलेंज की तरह इसे निभाया। बिल्कुल सुदीप, जैसे आपने कहा कि आप चाहती थी कोई फिल्म मिले जिसमें मसाला हो, रोमांस हो, थोड़ी सी कहें कि नटखट चुलबुलापन हो, तो इस कैरेक्टर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म में कैरेक्टर क्या है आपका? बहुत प्यारा कैरेक्टर है और इस फिल्म में मैं जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं श्रृंगारा, उनके एक खास दोस्त हूँ जो उनको सपोर्ट करती है लाइफ में, और पहले तो वो दोस्त ही होते हैं लेकिन कैसे उनमें प्यार होता है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और कहते हैं एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, अगर दोस्त है तो बाद में प्यार तो होता ही है। वीरेंद्र, क्या ये सच है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते और होता है तो? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? सवाल सबसे अहम ये है कि आप दोनों दोस्त हैं? जी हम अब तक तो हम दोस्त ही हैं। अगर सुदीपा की बात मान ली जाए तो अभी तक दोस्त हैं लेकिन कभी दोस्ती होती नहीं। सुदीपा, आपने अभी कहा कि दोस्त की बात, हम फिल्म के बारे अच्छा फिल्म के बारे में, मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में आप फर्क करना चाहती हैं? रियल लाइफ में दोस्त दोस्त नहीं होते और रियल लाइफ में दोस्त दोस्त होते हैं। तो आप बड़े कंफर्टेबल रहे होंगे अपने शरीर को लेकर, जिस तरह से चाहे कबड्डी खेलने की बात, लेकिन जब बात आई रोमांटिक गाने की, आपके डायरेक्टर ने आपसे कहा होगा कि रोमांस
रोमांटिक गाना है, एक रोमांटिक सीन है, तब क्या मन में चल रहा था? क्योंकि हम कहते हैं कि कड़क तो है लेकिन अंदर से जो शाय पर आप कह रहे हैं कि हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक शाय होता है, तो वो कैसे आपने दूर भगाया? जी बिल्कुल, देखिए शाइनेस थी मुझे किरदार जब कर रहा था, खासकर जब रोमांटिक सीन कर रहा था और डांसिंग सॉन्ग्स में भी वो थी, लेकिन मैंने आपको बताया मैंने एक चैलेंज की तरह लिया। और जो मेरे आड़े मेरे जो आसपास का स्टाफ था, जैसे जो को एक्ट्रेस है मेरी वो बड़ी कोऑपरेटिव है और मुझे बता रही है वरिंदर आपको ऐसे ऐसे आप कैसे भी कम्फर्टेबल है। मेरी आंखों में देखो वरिंदर, मुझे ऐसे पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो। एंड क्योंकि अच्छा एक बात है, एक जिस तरह के अगर हम वरिंदर की बात करें सीधी बात, कुछ गाने ऐसे भी रहेंगे इन्होंने आपको उठाया होगा या हाथ पकड़ के घुमाया होगा, तो उसके बाद आपको आयोडेक्स वगैरह लगाना तो नहीं पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि स्वेलिंग वगैरह आ गई है? मैं आपको यही बता रही हूं कि पहले तो मेरी आंखों में देखते ही नहीं थे, इधर उधर कहीं डायलॉग देते थे, मैं वरिंदर इतो पड़ो, मैंने मतलब पंजाबी बोलता इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, मैं कह रही हूं मैं कैसे, मतलब ये मेरा हीरो कैसे, मैं इसको बता रही हूं रोमांस कर। और हम सॉन्ग शूट कर रहे थे, इसमें यू विल सी इन द प्रोमोस आल्सो कि हम कुछ ये मुझे ऐसे करते हैं, मैं घूम जाती हूं, तो बड़ा सॉफ्ट सा मोमेंट है, तो मेरे डायरेक्टर ने फ्रेम लगाया हुआ है एंड ही इज ऑन द मॉनिटर, इन्होंने मुझे धक्का मारा, पर धक्का नहीं मारा, अपनी अपनी तरफ से ऐसे किया और मैं घूम के पता नहीं कहां चली गई, मतलब वो ओरिजिनल शॉट है। एंड डायरेक्टर इज लाइक सुदीपा को फ्रेम में लाओ, मैंने कहा जी मैं फ्रेम में ही हूं, सो ये मुझे ऐसे भी टच करते थे तो मैं ऐसे घूम जाती थी। बिल्कुल, यानी कि काफी मजा आया फिल्म की शूटिंग के दौरान। कोई ऐसा वाक्य याद आता हो जिसमें मतलब बहुत चुलबुलापन हो, वीरेंद्र के साथ कोई मस्ती की हो सुदीप तुम सब लोगों ने मिलके? मैं तो इनको ऐसी तंग करती रहती हूँ, बहुत हमने मस्ती की। आई थिंक हमने गाना एक शूट किया था और जैसे आप देख रहे हो कि मतलब हील डोल जो है इनका तगड़े हैं काफी, और मैं बोलती हूँ इनको बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि इतने ऐसी पर्सनालिटी में डांस करना, और हमारे जो डांसर थे, हमारे जो कोरियोग्राफर थे, मैं उनको बोलती थी भाई इनको प्लीज फॉर लाइट मोमेंट्स दो, क्योंकि आई नो फॉर हिम इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने कुछ 45 टेक्स ले लिए थे क्योंकि वो गाना हो ही नहीं रहा था, बट हमने बहुत मस्ती की, यानी कि पूरी मेहनत और जी जान के साथ उन्होंने बहुत। कबड्डी की अगर बात करें, कभी आप वैसे खेले कबड्डी? जी नहीं, मैंने रियल लाइफ में कबड्डी कभी नहीं खेला। तो इस फिल्म में जब इस तरह का किरदार करना था तो खास ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली गई, जो हमारे हिंदुस्तान के अभी कबड्डी टीम के कोच है बिट्टू जी, लुधियाना से बिट्टू बांगर, और उनके अंडर मैंने इंडियन कोच की टीम के अंडर 3 महीने उसके लिए ट्रेनिंग की, और बकायदा इस किरदार को निभाने के लिए सरदार सोई के अंडर 6 मंथ जो मेरी फिल्म की ट्रेनिंग थी वो पूरी की अपनी, और पूरा होमवर्क करके मैंने इसमें काम किया। अच्छा एक चीज है, मैंने देखा फिल्म के प्रोमो में आप एक आदमी को इधर से उठा लेते हैं, एक आदमी को इधर से उठा लेते हैं, एक को कमर पे रख लेते हैं, तो ये शॉट करते हुए आपको लग रहा था कि यहाँ आओ कोई और असली कबड्डी के मैदान में उतरो? जी नहीं, एक्चुअली ये शॉट मैंने बिना किसी वायर्स के दे दिए थे उठाने वाले, बिकॉज आई एम फिजिकली मैं थोड़ा चली गया, तभी मैं ना बीच में मैंने सुदीपा को बिठाया था, मुझे ये पता लगा कि वीरेंद्र आ रहे हैं, तो मैंने कहा बीच में सुदीपा को बिठाते हैं, कुछ ऐसा वैसा सवाल हो गया तो प्यार से भी वीरेंद्र मारेंगे तो मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा। तो अगर इस तरह के शॉट आपने दे दिए थे, लेकिन अगर फिल्म की बात करें, फिल्म में कुछ शॉट्स हैं आप एक बुजुर्ग को अपने कंधों पर डो रहे हैं, मतलब काफी इमोशंस हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई, इसमें एक नहीं बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पंजाब जो आज के दौर में चल रहा है सबसे बड़ी ड्रग्स की मार है बहुत ज़्यादा, ये जो फिल्म हमने बनाई है पूरी टीम का जो वर्क था हमारे प्रोड्यूसर का हमारे डायरेक्टर का पूरी टीम का आज के यंगस्टर्स को मैसेज देने के लिए कि आप ड्रग से दूर रहिए और अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद आप खेलों से जुड़िए, खेल चाहे कोई भी हो लेकिन खेलने की स्पिरिट जीतनी चाहिए, स्पोर्ट्स जो आपकी वो जीतनी चाहिए, और जैसे जैसे हमारे खेलों की आप प्रमोशन करते जाएंगे तो मेरे ख्याल जो आने वाली जनरेशन है हमारी वो खेलों में अच्छा कर पाएगी, पंजाब अच्छा करेगा तो हिंदुस्तान अच्छा कर पाएगा। बिल्कुल नहीं जी, कभी नहीं, कभी किसी तरह की कोई ड्रग्स नहीं, किसी वीरेंद्र सिंह ने आज तक नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन होना आज तो हर कोई कहता है कि वेजिटेरियन होना चाहिए। आई थिंक जो फिल्म में अगर ये ऐसी बातें बताएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि जहां पे हम जाते हैं मैं मुझे लगता है कि अरे मैं थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस फील करती हूं, बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हिम, सब इनको देख रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे अब जो लोग जो श्रोता जो भी दर्शक इनको देखेंगे और जो सीखेंगे कि अगर ये इंसान ऐसे अपनी डाइट रखे बिना कोई नशे बिना कोई ऐसे ऐप के साथ ऐसे रह सकता है तो और कोई क्यों नहीं, तो आई थिंक बिल्कुल। और जिस तरह से पंजाब में कहें कि छठा दरिया आज एक नशे का बह रहा है और उस दरिया को रोकने के लिए आज जरूरत है वीरेंद्र जैसे लोगों की, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो अभी तक दिल में छुपी है दोस्ती से आगे बढ़कर बातें, छोटे से ब्रेक के बाद।